सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो, यस सर। बताओ, अब बताओ, इसके बाद बताओ, मैं पूछता हूँ, पहले बताओ, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर क्या होता है? ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या बताया, आपको क्या समझ में आया, मुझे ये बताओ आप पहले। आप बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बताओ आप। पेंट्रेंट मटेरियल के ओवर फ्लो होने पर उसे हटाने के लिए यूज करते हैं। तो ये लिखा हुआ है ना, रिमूवल ऑफ द पेनिट्रेंट्स फ्रॉम डिफेक्ट ड्यू टू ओवर वॉशिंग ऑफ द पार्ट इज कंसर्न। तो रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट का मतलब जैसे भर जाता है तो भरने के बाद सरफेस पे फैल जाता है, तो साइड से हटाते हैं, ठीक है ना। तो साइड से हटाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास क्रैक है उस पे क्रैक पोर्शन से भी थोड़ा हट जाता है, तो इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट इमल्सिफिकेशन का मतलब वॉशिंग जो कर रहे हो, इमल्सिफायर तो हो रहा प्रोसेस, ठीक है ना, बट वॉशिंग जो कर रहे हो ना, साइड से वॉश कर दिया, नहीं हटा क्रैक के ऊपर से, तो इमल्सिफिकेशन वो भी कहलाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के सर, लिक्विड से करते हैं, ठीक है ना, कोई वाटर से भी साफ हो जाता है, कोई पाउडर से भी साफ हो जाता है। और बताओ, पोस्ट पोस्ट इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये बताओ, कोई बताओ। बताओ हार्दिक, हार्दिक मीना है कि नहीं है? उमेश, उमेश यस सर। क्या बता बेटा, बता, तू बता। बताऊं सर, इमल्सिफायर। हेलो हेलो सर, इमल्सिफायर होता है जब अपन सब उसको डिफेक्ट होता है, उसको ज्यादा ज्यादा क्लियर वॉशिंग करते हैं तो सर उसको मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको इमल्सिफायर कहते हैं। पोस्ट इमल्सिफिकेशन क्या होता है? एक्सेस सर पोस्ट इमल्सिफायर में सर अमाउंट सर ऑफ अपन लिक्विड। उसके क्रैक के ऊपर जो लिक्विड आता है उसके ऊपर और ऑयल, जिसे वो ऑयल बेस्ड मटेरियल डाल देते हैं सर, उससे वो बाहर नहीं निकलता, और एक कई के और वाटर। चल चल, कुछ हद तक ठीक है। हाँ, प्रिंस जिंगर बताओ, प्रिंस जिंगर। जिंगर तुम ही फेल होगे सारे सब्जेक्ट में, टेंशन मत लो तुम। हाँ, मेथड भी ये लिखा हुआ है लिपोफिलिक इमल्सिफायर, और मेथड डी में लिखा हुआ हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर।